बड़ा मशहूर शेर है, उम्र दराज मांग के लाए थे चार दिन, दो आरजू में कट गए दो इंतजार में। और कुछ यही हाल हमारे देश के उन नौजवानों का है, हमारे नौजवानों का है जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं, जिनके पास सेना में भर्ती के लिए 17.5 साल से 21 साल की उम्र का एक दायरा भी होता है, लेकिन भारतीय सेना में 1.25 लाख पद खाली होने के बाद भी भर्तियां लंबे समय से नहीं हो रही। युवक कॉलेज में पढ़ते हुए हिजाब पहनेंगे या भगवा, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के नाम पर अदालत में सुनवाई शुरू हो जाती है। लेकिन देखिए अब देश के ही इन युवाओं को जो नारे लगाते हैं, भारत माता की जय के नारे के साथ सर्दी में सितम ढाती बारिश के बीच सूरज निकलने से पहले अपने जीवन में बेरोजगारी का अंधेरा दूर करने में जुटे इन जवानों की सुनवाई कोई क्यों नहीं करता। ये जवान किसी सरकारी नौकरी का सुकून और प्राइवेट नौकरी का ऐशो आराम की ख्वाहिश लेकर बेरोजगारी की ड्रिल नहीं कर रहे। जयपुर के ये वो युवा हैं जो सेना में शामिल होकर देश के दुश्मनों से भारतवासियों की रक्षा करना चाहते हैं। इनके पास जोश है, जुनून है, देश सेवा के लिए सेना में भर्ती होने का साहस है, शिक्षा है, बस नहीं है तो अपनी उम्र को सेना में भर्ती होने के पैमाने के लिए रोक लेने की ताकत। सूरज उगने के पहले के अंधेरे से लेकर सूरज उगने के बाद की रोशनी तक यूं ही मेहनत करते बेरोजगार युवाओं के अधिकार की दस्तक के लिए संवाददाता शरद कुमार पहुंचते हैं। हार तोड़ मेहनत करते हैं, उम्मीदों से लबरेज हैं एक अदद नौकरी के लिए, मगर नाउम्मीदी की चादर भी अब इनके ऊपर पसरने लगी है, क्योंकि जो वैकेंसी आर्मी में हो या एयरफोर्स में हो, सेना में हो, जो आनी चाहिए वो आ नहीं रही है। इसके बावजूद सुबह उठते हैं और इस तरह से देखा जा सकता है कि अंधेरे से शुरुआत करते हैं और जी तोड़ मेहनत करते हैं। लेकिन इस मेहनत का फल तब मिलेगा जब सेना में भर्तियां शुरू होंगी, वरना टोंक से जयपुर आकर 2 साल से तैयारी कर रहे अनिकेत मीणा जैसे देश के हजारों नौजवानों की उम्र ही बीत जाएगी, ये सेना में नहीं जा पाएंगे। मेरा जुलाई में 21 हो जाएगा और मैं ओवरेज हो जाऊंगा, अभी 4 महीने मात्र 4 या 5 महीने बचे। 4 महीने में उम्मीद है आपको, इसलिए हाँ उम्मीद तो है, अब सरकार के ऊपर है, अगर सरकार जल्द से जल्द निकाल दे तो उम्मीद रखी है इसी बात पे, और इसी बात पे दौड़ने आ रहे हैं सुबह 4 बजे। अगर 4 महीने में नहीं निकलती है तो आपकी सारी पैसे परिश्रम सब खत्म हो, पैसे परिश्रम सब निकल जाएगा। दरअसल सैनिक जनरल ड्यूटी में भर्ती के लिए उम्र का दायरा 17.5 साल से 21 साल का होता है। 21 साल से ज्यादा की उम्र के बाद भर्ती नहीं हो पाती। ऐसे में अगर 2 साल में बड़ी भर्ती सेना में नहीं होती है तो हजारों नौजवानों का सपना आर्मी में जाने का टूटता जा रहा है, जिन्हें गांव से घर वाले अपना पेट काटकर आर्मी में भर्ती की तैयारी के लिए शहर में पैसा भेजते हैं। जीवन में कभी आर्मी का इतना लंबा प्रोसेस होता नहीं है, 3 महीने में अभ्यर्थियों को बुला लेते हैं और ड्यूटी चढ़ जाते हैं, क्योंकि सबसे जो फास्ट नौकरी है ड्यूटी पे चढ़ने की वो आर्मी की है, और आर्मी की नौकरी इतने डिले हो रही है तो हम किस पे उम्मीद कर सकते हैं। देश सुरक्षित तब होता है जब जवान सरहद पर खड़ा होता है, लेकिन देश की सीमा पर जाने का सपना लिए इन आंखों में अभी तो भर्तियां ही शुरू होने का इंतजार बेचैन करता दिखता है। अजमेर के गांव से जयपुर आकर तैयारी करते ये जुड़वा भाई हैं राम अवतार चौधरी, लक्ष्मण चौधरी किसान पिता हैं। दोनों बेटों को 10-10 हजार रुपए किसी तरह भेजते हैं। एयरफोर्स में जाने की उम्र यानी 19 साल पूरी होने में 3 महीने बचे हैं, आगे ये क्या करेंगे नौजवान डरते हैं। जो वैकेंसी नहीं आया तो ये लग रहा है कि सिर्फ सपना ही बनकर रह जाएगा सर, तो सर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप ये बात सर सेंट्रल लेवल पर सर डिफेंस मिनिस्टर पर सर ये बात पहुंचे सर उनके लिए कि बच्चों को ध्यान दे सर। ये मुद्दा संसद तक पहुंचाया गया है जहां से पता चलता है कि 2015-16 में सेना में 127 भर्ती रैली हुई, 2016-17 में 102, 2017-18 में ये घटकर 106 हो गई, 2018-19 में और भी भर्ती रैलियां घटी 92 ही हो पाई, 2019-20 में 95 रैलियां सेना भर्ती की हुई।
4 फरवरी को संसद में राजस्थान के सांसद हनुमान बेनीवाल के सेना भर्ती पर हुए सवाल को लेकर सरकार ने बताया कि 2021-22 में केवल 4 भर्ती रैली हो पाई। कोरोना की वजह से सेना में भर्ती के लिए बड़े पैमाने पर आयोजन न होने की बात कही गई। कोरोना काल में देश में करोड़ों नागरिकों के साथ चुनाव लगातार होते आ रहे हैं, फिर हजारों नौजवानों के लिए सेना की भर्ती का आयोजन क्यों नहीं होता? होता तो नागौर के कुचामन जैसे इलाके जहां ज्यादातर युवाओं का एकमात्र सपना ही सेना में जाने का होता है, वो इलाके अपने नौजवानों के टूटते अरमानों के गवाह नहीं बनते। 2 साल से कोरोना के कारण हमें भर्ती देखने को नहीं मिली, उस कारण लगभग हर लड़का ओवरेज हो गया है। और मैं बचपन से ही मेरा जुनून था कि मैं सेना भर्ती में जाना चाहता था, और जो उत्तर प्रदेश और जगह चुनाव में रैलियां निकाली गई है वहां पे कोरोना नहीं अटक रहा है क्या? ऐसा नहीं कि पद खाली नहीं, केंद्र सरकार ही 10 दिसंबर 2021 को लोकसभा में जवाब देकर कह चुकी है भारतीय सेना में 1.25 लाख पद खाली हैं, जिनमें 85% केवल आर्मी में है। आंकड़े में और बांट कर देखें तो थल सेना में 1,04,053, वायु सेना में 5,471, नौ सेना में 12,431 पद खाली हैं। इसीलिए प्रदर्शन के लिए मजबूर हो रहे वो युवा हैं जो अनुशासन का पाठ ही सबसे पहले सीखकर सेना में जाना चाहते थे। मांग सिर्फ एक है, या तो भर्ती जल्दी करें या उम्र में रियायत दें। देश में सबसे ज्यादा सेना में राजस्थान के बच्चे जाते हैं, क्योंकि राजस्थान के बच्चों के दिलों में राष्ट्र सेवा का जज्बा होता है। सुबह से लेकर रात तक यह बच्चे एयरफोर्स में आर्मी में जाने की तैयारी करते रहते हैं, मगर कहीं 2 साल से, कहीं 1.5 साल से, कहीं 2.5 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है। अब उम्र खत्म होने जा रही है तो ये बच्चे शहर दर शहर प्रदर्शन कर रहे हैं। 10 जुलाई 2021 तक के सरकारी आंकड़े बताते हैं सेना में शामिल होने वाले में सबसे ज्यादा जवान राजस्थान के रहे हैं। राजनेता तो 25 साल की उम्र के साथ फिर जीवन भर चुनाव लड़कर सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, लेकिन सोचिए इन नौजवानों के बारे में जिनके पास कुल जमा 3.5 साल इनकी जिंदगी के होते हैं सेना में भर्ती पाने के लिए। अगर भर्ती रैली तुरंत नहीं शुरू हुई, उम्र की सीमा में छूट नहीं मिली, तो राष्ट्र रक्षा के लिए जवान कहां से आएंगे? शरद कुमार, जयपुर आज तक।